और अब बात वेंकैया नायडू की अधूरी ख्वाहिश की। आज वेंकैया नायडू ने उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन भर दिया। वेंकैया नायडू एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं और उनकी जीत तय मानी जा रही है। नामांकन दाखिल करने के मौके पर भावुक वेंकैया ने अपनी एक अधूरी ख्वाहिश सार्वजनिक की। राज्यसभा सभापति की जिस कुर्सी पर हामिद अंसारी पिछले 5 साल से बैठकर सदन की कार्यवाही चलाते रहे हैं, उसी कुर्सी पर बैठाने के लिए पीएम मोदी ने अपनी सरकार के सबसे सीनियर मंत्रियों में से एक वेंकैया नायडू को चुना है। वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति की रेस में है। उपराष्ट्रपति बने तो राज्यसभा सभापति की कुर्सी भी संभालेंगे, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति बनता है वही राज्यसभा सभापति बनता है। इस कुर्सी को दिखाने के पीछे मकसद सिर्फ ये है कि अगर वेंकैया उपराष्ट्रपति बने तो सबसे ज्यादा इसी कुर्सी पर बैठे दिखेंगे। उपराष्ट्रपति का दफ्तर अलग होता है, लेकिन वो टीवी पर नहीं के बराबर दिखता है। बीजेपी संसदीय बोर्ड ने कल वेंकैया नायडू को एनडीए का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने का फैसला किया। ये है तो बहुत बड़ी खुशी की बात, लेकिन इस खुशी ने वेंकैया नायडू को मायूस भी किया। मायूसी इस बात को लेकर कि अगर वेंकैया नायडू जीत गए तो 2019 में मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने में योगदान नहीं कर पाएंगे। नामांकन भरने के बाद वेंकैया नायडू जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे तो ये कहते कहते भावुक हो गए। I lost my mother at a very young age. I want to put it on record. Of 1 year 6 months. Then I treated my party as my mother. And they have really brought me up to this level. So it was really a little painful to leave the party. So that's why I became a little emotional. That's why I also was insistent that the country got a great leadership. We should strengthen the country through that leadership and move forward. That was my wish, that I want to see that Narendra Modi comes back once again in 2019. वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति बनने के बाद पार्टी की राजनीति से ऊपर उठ जाएंगे, किसी पार्टी के सदस्य नहीं रहेंगे, अपने नेता मोदी की तारीफ नहीं कर पाएंगे, किसी का चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे, राज्यसभा चलाएंगे लेकिन उनको सांसद का चुनाव लड़ना नहीं होगा, राष्ट्रपति के नहीं होने पर वो राष्ट्रपति का काम देखेंगे। उपराष्ट्रपति की रेस में वेंकैया नायडू की टक्कर यूपी उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी से है। आज सुबह वेंकैया ने जब पीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ नामांकन भरा तो उसके बाद यूपीए के गोपाल कृष्ण गांधी भी नामांकन भरने आए। आंकड़ों के गुणा भाग में वेंकैया नायडू का उपराष्ट्रपति बनना पक्का माना जा रहा है। राष्ट्रपति चुनाव से उपराष्ट्रपति चुनाव थोड़ा अलग है। उपराष्ट्रपति चुनने के लिए सिर्फ सांसद वोट डालते हैं, लोकसभा के 545 और राज्यसभा के 245 सांसद वोट डालते हैं। मनोनीत सांसदों को भी वोटिंग का अधिकार होता है। कुल 786 सांसद मिलकर नया उपराष्ट्रपति चुनेंगे। हालांकि इस समय लोकसभा और राज्यसभा की 2-2 सीट खाली हैं, इसलिए वोट देने वाले सदस्य होंगे 782। संख्या बल में वेंकैया का पलड़ा गोपाल कृष्ण गांधी से बहुत मजबूत है। एनडीए के पास कुल 425 सांसद हैं, एआईएडीएमके के 50, बीजेडी के 27, टीआरएस के 14, वाईएसआर कांग्रेस के 8, पीएमके और एआईएनआर कांग्रेस के 1-1 सांसद के समर्थन से कुल आंकड़ा हो जाता है 526, यानी बहुमत के आंकड़े 392 से बहुत ज्यादा। गोपाल कृष्ण गांधी के पास कहने को तो 18 पार्टियों का समर्थन है। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए का समर्थन करने वाली नीतीश की पार्टी जेडीयू भी गोपाल कृष्ण के साथ है। फिर भी गोपाल कृष्ण गांधी को 261 से ज्यादा समर्थन मिलना मुश्किल है। मैं किसी दल से जुड़ा नहीं, मैं निर्दलीय हूँ, स्वतंत्र हूँ, मेरे विचार मेरे अपने। लेकिन अगर आज इतने दल मिलकर एक सामान्य नागरिक को कहते हैं कि आप हमारे उम्मीदवार बने, तो इसका मतलब यह है कि हमारी राजनीति से आगे बढ़कर हमारी संस्कृति से जुड़ती है। चुनाव से पहले गोपाल कृष्ण गांधी को लेकर शिवसेना के संजय राउत ने अलग बखेड़ा खड़ा कर दिया। आरोप लगाया गया कि गोपाल कृष्ण ने मुंबई ब्लास्ट के दोषी याकूब मेमन की फांसी का विरोध किया था, मतलब उन्होंने आतंकवादी का समर्थन किया। देश भावना के खिलाफ गोपाल कृष्ण गांधी जी गए और याकूब की फांसी रोकने के लिए जी जान से कोशिश की, बहुत कड़ी मेहनत की। क्या ये सच बताना, लोगों के सामने सच लाना,
या कांग्रेस का अज्ञान दूर करना, ये कोई कम्युनलिज्म नहीं है। गोपाल कृष्ण गांधी ने संजय राउत के आरोपों का जवाब भी दिया, ये बताते हुए कि फांसी का विरोध तो महात्मा गांधी भी करते थे। गोपाल कृष्ण ने साफ कर दिया कि वो फांसी के खिलाफ थे और आज भी हैं। I believe that the death penalty and capital punishment belong to the medieval ages. I believe that the death penalty is wrong. ये मेरा उसूल ये है। ABP News आपको रखे आगे।